गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक द सेंटेंस करवाएंगे। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस वह होता है जो शब्दों का एक समूह होता है और जिसका एक अर्थ पूर्ण निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। आज हम करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। टिक द सेंटेंस दैट मेक सेंस एंड क्रॉस द वंस दैट डू नॉट। जो सही वाक्य है उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत वाक्य है उसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। जैसे फर्स्ट है ही ओवर द ब्रिज, पुल के ऊपर। ये वाक्य बच्चों गलत है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, क्रॉस। सेकंड है ही कॉट द रैट, उसने चूहे को पकड़ा। ये वाक्य सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। थर्ड है बिहाइंड द रश, भीड़ के पीछे। ये वाक्य गलत है, इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, क्रॉस। फोर्थ है मीराज न्यू फ्रेंड, मीरा के नए दोस्त। इसमें कोई फुल स्टॉप वगैरह क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए ये वाक्य क्या है, रॉन्ग है, क्रॉस। नेक्स्ट है द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। पीछे ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये वाक्य पूरा है, तो ये वाक्य क्या है, सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो ये वाक्य सही है। नेक्स्ट है माई ब्लू शर्ट, मेरी नीली शर्ट। ये वाक्य गलत है, तो हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ये वाक्य सही है, तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, तो अब हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं बी। रीअरेंज द जंबल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। सही व्यवस्थित रूप में इन शब्दों को लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है दिल्ली न्यू बिग इज सिटी ए, तो इसको हमने क्रम के अनुसार इसका वाक्य बनाना है। जैसे न्यू दिल्ली इज ए बिग सिटी, न्यू दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो नेक्स्ट है फ्लाइंग काइट ए इज बॉय द बॉय फ्लाइंग ए काइट, लड़का पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट है केयरफुल विद द नाइफ बी, तो पहले लिखेंगे हम बी केयरफुल विद द नाइफ, चाकू से सावधान रहो। नेक्स्ट है कुकिंग किचन द मदर इज इन फूड, द मदर इज कुकिंग, द मदर इज कुकिंग किचन। माता जी रसोई में खाना पका रही है। नेक्स्ट है लाइट स्विच ऑन द स्विच स्विच ऑन द लाइट को चालू करो। नेक्स्ट है बुकेट द वाटर ऑफ इज फुल, द बुकेट इज फुल ऑफ वाटर, पीछे फुल स्टॉप, तो बाल्टी पानी से फुल भरी हुई है। नेक्स्ट है सेवंथ आर यू हु, इसको लिखेंगे हु आर यू, तुम कौन हो, पीछे क्वेश्चन मार्क, हु आर यू, तुम कौन हो। आगे नेक्स्ट है टाइम इज द व्हाट,
व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है। नेक्स्ट है योर मदर वेयर इज, वेयर इज योर मदर, तुम्हारी माताजी कहाँ है। तो आज की हमारी द सेंटेंस की पहला लेसन है जो उसकी दो एक्सरसाइज की हमने, फर्स्ट सही और गलत का निशान लगाया है और सेकंड एक्सरसाइज जो हमने की है वो सही तरीके से दोबारा वाक्य बनाकर लिखे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप सभी बच्चों ने इसको कॉपी में राइट और लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।